नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर आपको ग्राफ ड्रा करना है। कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 5x - y = 5 एंड 3x - y = 3, और साथ में यही करना है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फॉर्म बाय दीज लाइन। जो ट्रायंगल बनेगा उसका हमें उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 5x - y = 5। इस इक्वेशन के बेस पर हमें एक टेबल ड्रॉ करना है, ठीक। कम से कम 2 पॉइंट्स तो आप यहाँ पर फाइंड करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। अब ये 5x - y हो गया, अगर हम इसको यूं लिखें कि भैया x = 5, तो ये माइनस कहाँ जाएगा, यहां पर आएगा, और ये जाएगा प्लस वाई, और ये 5 यहां आ जाएगा, ठीक। यदि हम यहां पर y की वैल्यू को 5 लेट कर दें तो 5 + 5/5 = 10, 10/5 = 2, ठीक है ना। अगर हम y की वैल्यू को 5 लेट कर दें तो जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 थी तो यहां पर क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है ना। अगर हम यहां पर y की वैल्यू को 0 लेट कर दें तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी, 5 + 0/5 = 1। तो y की वैल्यू जब 0 थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो y की वैल्यू 0 और x की 1, आपके पास एक टेबल मिल गई। सेकेंड आपका लिखना इक्वेशन आपके पास सेकेंड है 3x - y = 3, यह ना 3x - y = 3। इसके बेस पर आपको बनाना है, तो आप यहां लिखें x 3, ये माइनस यहां आएगा, प्लस y हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस y, और ये 3 यहां पर डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहां पर अगर y की वैल्यू को 0 लेट कर दें, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 0/3, देन 3 = कितना हो जाएगा, 3 and 3 = 1, ठीक है। तो एक टेबल मेरी यहां पर ड्रॉ कर लें और यहां पर ही बना लीजिए x and y। तो भैया x की वैल्यू 1 आई थी, देन y की वैल्यू कितनी थी, 0 हो गई, ठीक है ना। अगर हम y की वैल्यू को -3 लेट कर दें तो क्या हो जाएगा, तो x = कितना जाएगा, 3, और यहां पर -3 हो जाएगा / 3, और = कितना जाएगा, 0/3 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर -3 हो गई। क्लियर हो गया। इसके पॉइंट्स पर आपको यहां पर ग्राफ को ड्रॉ करना है। ग्राफ आप देखिए 2x-axis पर 2 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, ठीक है। तो इससे थोड़ा स्केल की मदद से, क्योंकि ये रफ डायग्राम होगा तो बहुत मुश्किलों से आता है, ये यहाँ पर आप बना ले। ये हो गया यहाँ पर 2 and 5, क्लियर हो गया। अब देखें यहाँ पर ये 1 है और ये 0 है, x-axis पर 1 ये है, 0 ये है, तो 1 and 0, ठीक है ना। इन दोनों को आप मिला लें, इससे आप इस तरह से मिला लें, ठीक है ना, ये आपने मिला लिया। अब नेक्स्ट पर क्या है, x-axis पर 1 है, 0 है, और 1 0 यहीं पर मिल रहा है। दूसरा है 0 और -3, तो 0 और -3, 0 x-axis पर, y-axis पर -3 या -3 यहां पर आ रहा है, तो यहां पर आप क्या करेंगे,
जीरो और थ्री, जीरो और माइनस थ्री, ठीक। इससे क्या करेंगे आप, इससे इसको मिला दें, ठीक, इससे आप इसको मिला दें, ठीक, ये आपके पास आ गया, ठीक। एक छोटा सा ट्रायंगल, एक छोटा सा ट्रायंगल ये बना है, ठीक। इसको आप ये मान लें कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो कहाँ पर मिल रहा है ये तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मिल रहा है जीरो माइनस फाइव पर, तो जीरो माइनस फाइव इसके वर्टिसेस जाएंगे, ठीक। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट यहाँ पर आके मिल रहा है जीरो माइनस फाइव पर, तो ये इसका पॉइंट सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी। ए पर कौन आया है, ए पर यहां पर कौन आ रहा है, देखो ए पर आ रहा है वन जीरो, वन एंड जीरो। बी पर कौन है, बी पर है जीरो माइनस थ्री, जीरो माइनस थ्री। और सी पर कौन है, जीरो माइनस फाइव। इस तरह से ये आपका वर्टिसेस निकल के आ जाएगा और यही आपका सॉल्यूशन होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉचिंग।